सुरक्षित काले मेरे बाल, जयसवाल ने किया कमाल। ड्रिंक्स ब्रेक विद कवि शास्त्री। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की 5 मैच की टेस्ट सीरीज में इंडिया ने पहला मैच जरूर हारा, लेकिन दूसरे मैच में बढ़िया कमबैक के साथ इंडिया ने इंग्लैंड को पछाड़ दिया। और इसी खुशी में हमसे बात करने के लिए पता नहीं क्यों है मुंह बोले एक्सपर्ट कवि शास्त्री। तू ठीक से नहीं बता पा रहा मेरे लाल, मैं बता दूं एक लाइन में। गोवा के बीच पे मिलती है सैंड, और इंडिया ने रुला दी न्यूजीलैंड। ठोको क्या ठोको, न्यूजीलैंड को नहीं हराया, इंग्लैंड को हराया है। अबे इंग्लैंड को तो हमने 1947 में ही हरा दिया था। साइमन गो बैक, अब तो बस कोहिनूर लाना बाकी है। मैच की बात कर ले तो इंडिया ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया, और पहली इनिंग में यशस्वी जायसवाल की शानदार, सुरक्षित काले मेरे बाल, जायसवाल ने किया कमाल। कमाल जायसवाल के 209 रन के चलते इंडिया ने 396 रन बना दिए, और इंग्लैंड की तरफ से शोएब बशीर, रेहान अहमद और जिमी एंडरसन ने 3-3 विकेट लिए। सन 1965 की बात है, मैं और जिमी एंडरसन साथ में क्रिकेट खेलते थे राजस्थान रॉयल्स के लिए। तबाही जोड़ी थी भाई, तबाही। 700 मीटर के छक्के, 800 मीटर के छक्के, छोड़ के चला गया मेरे को इंग्लैंड। मैं गाता रह गया, जिमी 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 आजा आजा आजा। 1965 में राजस्थान रॉयल्स के लिए आप, अच्छा ठीक है इस मैच पे आते हैं। तो इंग्लैंड पहली इनिंग्स में 253 रन ही बना पाई, क्योंकि बुमराह ने 6 विकेट लेके तहस नहस कर दिया इंग्लैंड के पूरे बैटिंग ऑर्डर को। अभी आवेश खान होता ना 100 रन भी नहीं बनने थे। ना माने बीसीसीआई, आपकी तो बिल्कुल नहीं मानने वाली बीसीसीआई, ठीक है। खैर अच्छी खासी 143 रन की लीड से इंडिया ने शुरू की अपनी सेकेंड इनिंग्स, और जैसी किसी को उम्मीद ही नहीं थी वो हो गया। क्या बात कर रहा है, पाकिस्तान चांद पे पहुंच गया। अरे भी यार, शुभमन गिल ने सेंचुरी मारकर इंडिया को 255 रन के टोटल पर पहुंचा दिया, और लीड मिला के इंग्लैंड के सामने 399 रन का टारगेट रख दिया। अबे टारगेट कोई तेरा दिमाग थोड़ी है, जो रख देंगे कहीं भी टारगेट देते हैं, रखते नहीं है। ग्रामर ही ठीक नहीं है यार तेरी, एंकर बनने चले आते पता नहीं कहां से। ठीक है, जो 399 रन का टारगेट इंडिया ने दिया था वो इंग्लैंड बनाने में रही नाकाम, और 106 रन से इंडिया ने मैच अपने कब्जे में कर लिया। कब्जे में तो मैं करूंगा तुझे, और फिरौती में माऊंगा 35 रुपए, क्योंकि तेरी शक्ल के इससे ज्यादा तो कोई देगा भी नहीं। देखो तमीज में रहो आप, ठीक है। और आप ये बताओ कि बुमराह को 9 विकेटों के साथ जो मैन ऑफ द मैच मिला वो सही था, या यशस्वी के जो 200 रन थे उसके चलते मिलना चाहिए था यशस्वी को मैन ऑफ द मैच? फटाफट कमेंट्स में बताओ, तब तक हम चलते हैं। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और ये है सेल्फ प्रोक्लेम क्रिकेट एक्सपर्ट, ऑल तरीके के एक्सपर्ट कवि शास्त्री, और आप देख रहे हैं स्विच।